ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, अब जैसे ही आप आगे इस कैप्चा को फॉर्म फिल करके आप सेव में टेस्ट करेंगे, सेव प्लस नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्कैन टू फोटोग्राफ चूज करना है। तो फोटोग्राफ का जो साइज था, सर एक मिनट, सर ये जो पट्टी है ना नीचे, इसमें 10 से 12 टाइम लिखा हुआ है, 10 से 12। मेरी क्लास का टाइम 9 से 12 है। एक बार इनको वो कर दो, मैसेज कर दो कहीं 12 से 3, 3 से 6 इनका टाइम है। ये टाइम गलत है नीचे, कल से टाइम सारा चेंज हुआ है ना। ठीक है सर, एक बार बोल दो सर। मैं भी डाल दूंगी, पर आप अभी बोल दो ना, जैसे थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे राम राम। जल्दी से शानदार धुआंधार तरीके से आप सभी क्लास में आ जाइए, जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास का शुभ आरंभ हम कर देंगे बेहतरीन तरीके से। क्या बात है भैया, आपने बोला था कि मैम मिनरल न्यूट्रिशन के और क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैं और ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आज हम धुआंधार तरीके से आपके मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस करेंगे, और कल सुबह 9 बजे क्लास है। यहाँ पर नीचे जो टाइम फ्लैश हो रहा है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, 10 बजे नहीं 9 बजे से मेरा टाइम शुरू है, 9 से 3। तो सुबह कल 9 बजे आ जाइएगा। मैं जो आपको करवाने वाली हूँ उसको नोट कर लेना, जो करवाने वाली उसको नोट कर लेना। कल मैं आपको कंप्लीट जूलॉजी, फुल सिलेबस जूलॉजी करवाने वाली, फुल सिलेबस जूलॉजी। पहले आपको जूलॉजी करवा दूं, ठीक है, उसके बाद आपके जूलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं क्लास 11th और 12th में, जंतु विज्ञान के जितने आपके चैप्टर्स हैं, जंतु विज्ञान के सारे चैप्टर्स याद रखना, सारे चैप्टर्स जिसमें आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आती है, अर्थवर्म और कॉकरोच में आपको करवा दूंगी स्पेशल क्लास लेके, ठीक है बेटा, उसमें चिंता मत करना। 9 से 12 बजे वन शॉट क्लास है, जिसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी में करवाऊंगी फुल सिलेबस का। तो कल सुबह 9 बजे आप सभी को जुड़ना है, कंप्लीट जूलॉजी और जंतु विज्ञान याद रखना, जूलॉजी और जंतु विज्ञान सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे कंप्लीट जूलॉजी के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। फिर चिंता मत कीजिएगा, बायोटेक वैसे मैंने बहुत बार करवाया है, आप सभी मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखिए, ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है तो आप प्रीवियस क्लासेस भी देखिए थोड़ा बहुत। बाकी मैं अपने तरफ से आपकी जितने भी मेरे पास आए कि ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सब चैप्टर्स मैं आपको करवा दूंगी, डायग्राम भी करवा दूंगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो होप आप सभी आ गए होंगे, रेडी होंगे क्लास के लिए, सभी रेडी होंगे। आ जाइए भैया, पहला क्वेश्चन देखिए। अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, प्लांट को मैग्नीशियम की जरूरत भैया क्यों पड़ती है, जल्दी से बताओ। सेल वॉल डेवलपमेंट, होल्डिंग सेल टुगेदर, प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर क्लोरोफिल सिंथेसिस में, जल्दी से उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा। एक पौधे को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है कोशिका भित्ति विकास, कोशिकाओं को एक साथ पकड़ना, प्रोटीन संश्लेषण, क्लोरोफिल संश्लेषण में। उत्तर आप सभी का धुआंधार जानदार शानदार मुझे चाहिए, ठीक है बेटा, जल्दी से यार आंसर देना मुझे बेहतरीन। और कल जो मैक्रो और माइक्रो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, होप आप सभी ने याद कर लिया होगा उसको अच्छे से। अब मुझे बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जल्दी से, मैग्नीशियम, अ प्लांट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम फॉर, क्या करता है ये मैग्नीशियम। उसके बाद मैं आपको इसका एक्स्ट्रा फंक्शन करवा दूंगी, इसके अलावा कुछ होगा तो। सेल वॉल की डेवलपमेंट करता है, कोशिका भित्ति विकास, होल्डिंग सेल टुगेदर, कोशिकाओं को एक साथ पकड़ना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में, या फिर क्लोरोफिल सिंथेसिस, पर्ण हरित सिंथेसिस में और संश्लेषण में, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या क्या करते हैं फटाफट से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धुआंधार जानदार शानदार उत्तर,
फोर्थ ऑप्शन को कर लेना मार्क, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर लिखो थोड़ा सा, हेडिंग डालो मैग्नीशियम, हेडिंग डालो Mg2+ की फॉर्म में आपका प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। अब आप लिखेंगे इसका क्या क्या काम होता है, क्या मैग्नीशियम का क्या क्या काम होता है, लिखिए। तो भैया इसका पहला काम लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट काम लिखिए इसका, ये आपके फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को सक्रिय करता है, प्रकाश संश्लेषण के एंजाइमों को सक्रिय करता है। जैसे कि लिखो भैया कौन कौन से एंजाइम है, जैसे कि आपका हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज कहाँ होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में सबसे पहले स्टेप को कैटालाइज करता है। फिर आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम हिंदी में भी लिख लेना क्योंकि नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। पाइरुवेट काइनेज और किसको एक्टिवेट करता है, और जैसे कि ये तो ग्लाइकोलिसिस के भैया आपके ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम्स हो गए, इसके अलावा आपके फोटोसिंथेसिस के हो गए रूबिस्को और पैपकेज, यहाँ पर सॉरी फोटोसिंथेसिस लिखा है ना, इट एक्टिवेट्स एंजाइम फॉर, यहाँ पर लिखो रेस्पायरेशन के एंजाइम मैंने लिखे हैं, श्वसन, ठीक है, प्रकाश श्वसन एवं श्वसन क्रिया के, रेस्पायरेशन प्रोसेस के की भी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये रेस्पायरेशन प्रोसेस के हो गए और आपके फोटोसिंथेसिस के हो गए रूबिस्को और पेपकेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोजाइलेज और राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज, और क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ DNA RNA, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA RNA, It involves the synthesis of DNA and RNA. DNA और RNA का संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। लिखिए यहाँ पर तो भैया काफ़ी बड़ा हो गया, इसको और ऊपर कर दूँ, इसको छोटा कर देती हूँ। It involves the synthesis of DNA and RNA. यह है DNA और RNA, RNA के संश्लेषण में मदद करता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है। It involves in the formation of chlorophyll structure और क्लोरोफिल का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर, जो पॉर्फायरिन रिंग होती है ना, रिंग स्ट्रक्चर, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं पर्णहरित। दिखाई दे रहा है सबको, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। ओ नहीं दिखाई दे रहा क्या, उस साइड करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इस साइड करना पड़ेगा, देखिए इस साइड कर लीजिए, ठीक है। अब होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, अगर इस पेज पे नहीं दिखाई दे रहा, यही थर्ड पॉइंट का, पर्णहरित संरचना बनाने में
सहयोग करता है। और एक और काम है, एक और काम है इसका भैया, फोर्थ काम लिख लीजिए इसका, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी ये मेंटेन करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन करने में, ध्यान रखना, हेल्प्स टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर लिखो भैया, राइबोसोम की संरचना बनाने में मदद करता है, नोट कर लेना भैया फोर्थ पॉइंट। अब भैया इससे होने वाले रोग भी लिख लेना, क्या इसकी कमी हो गई तो क्या डिजीज होता है, इसकी कमी हो गई भैया मैग्नीशियम की तो क्या डिजीज हो सकता है। सारी बातें मैंने आपको मैग्नीशियम के बारे में लिखा दी, तो लिख लो क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोसिस, और नेक्रोसिस भी हो सकता है लिख लो क्लोरोसिस। चलिए आंसर आ चुका है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लावरिंग प्लांट निम्नलिखित में से कौन सा फूल वाला पौधा है जिसमें फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, धुआंधार, जानदार, शानदार उत्तर करिएगा यार। बड़ी भैया क्या बोलूं, बड़ी गर्मी है यार, मैं जितना सोचती हूँ तुम्हारी क्लास लंबी लेने का, इतनी गर्मी में कैसे लिया जाए आप बताइए। ठीक है बस आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देना, बाकी और क्या चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भैया सच में बहुत गर्मी है, आपको क्या बताया जाए। चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा, सुबह 9 बजे से क्लास है, यहाँ पर 10 से 12 लिखा है, 9 से होगी। ठीक है चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीएमटी 2007 का क्वेश्चन है। अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड, और क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस और सल्फर होता है, या फिर सल्फर एंड मैग्नीशियम, या फिर मैग्नीशियम एंड सोडियम। आंसर दीजिएगा बेटा धुआंधार, जानदार, शानदार तरीके से, एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर आंसर भी दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी बोल रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, और क्वेश्चन ही है भैया बताइए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और कौन सा होता है जल्दी से बताओ, और कौन सा भैया 6 ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा 98% मास में पाए जाते हैं। वेरी गुड, कैल्शियम और फास्फोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, हमारी बोन में, हमारी हड्डियों में, हमारी अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट पाए जाते हैं, एकदम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। कल मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट करवाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट करवाया था ना बेटा, तो प्लीज गलत मत करना आप सभी, फटाफट से आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। उसको बाद में और भी बहुत सारी चीजें आपको लिखाऊंगी, पर ठीक है पहले आप आंसर दीजिए भैया इसका, और गलत मत करना प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट का कल मैंने आप सभी को क्या दिया था, ट्रिक दिया था, होप आप सभी ने वो पढ़ा होगा। अब मुझे इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से आंसर दे दीजिए आप सभी मुझे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, क्या हो जाएगा धुआंधार तरीके से, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। तो ये सारे के सारे क्या है आपके, ये आपका क्या भैया, फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बचा सिर्फ कैल्शियम जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, अभी बात की 98% बॉडी मास में पाया जाता है, तो बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नेड्यूल ऑफ एनलस इज ब्रॉट अबाउट बाय, बताइए, सुबह भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको रिपीट मिल रहा है, 2008 का क्वेश्चन है, फ्रेंकिया इज राइट आंसर,
फ्रेंकिया आपका एकदम सही उत्तर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कौन से प्लांट में, एनलस प्लांट में। नेक्स्ट, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन, एमएन की बात की है, मैग्नीज की बात की है, एमएन मैग्नीज इन रिक्वायर्ड, पहले मैग्नीशियम पूछा था अब मैग्नीज पूछा है, आंसर आप सभी दीजिएगा क्या हो जाएगा, पहले भैया मैग्नीशियम पूछा था अब मैग्नीज दिया है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। प्लांट सेल की वॉल फॉर्मेशन के लिए फोटोलिसिस और वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इसके दो मुख्य काम होते हैं वैसे तो, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है जो कि इसका आंसर हो जाएगा, और एक काम ये एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन याद रखना, और नाइट्रोजन फिक्सीकरण, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इनके एंजाइमों को सक्रिय करता है कौन, हमारा मैग्नीज। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जल का अपघटन आप कह सकते हो, क्या जल का अपघटन, ड्यूरिंग द अपघटन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान याद रखना, अभिक्रिया के दौरान। होप आप सभी को ये मेरी बात क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। क्या हो जाएगा भैया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मार्क कर लेना। धुआंधार तरीके से आपका जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है OEC, याद है भैया आप सभी ने पढ़ा था, ये आपकी मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की, यहाँ पर OEC होता है, यहाँ पर आपकी चल रही है क्या फोटोसिस्टम 2, पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चल रहा है, यहाँ पर भैया आपका H+ लिबरेट होता है, किसमें, लीमन में। होप आप सभी को ये याद होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, एजोटोबैक्टर, फ्रेंकिया, एजोला, ग्लोमस, बताइए भाई आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सर है, उत्तर दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन का, एक नंबर आंसर आप सभी का आना चाहिए, मार्क करना, फ्रेंकिया इज योर राइट आंसर, 2008 में पूछा, 2009 में भी पूछा, ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, अब आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताना, जल्दी से बेटा, जल्दी से बेटा, जल्दी से, एंजाइम कौन सा होता है इसमें, नाइट्रोजिनेज, एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रोजिनेज, किसको भैया, किसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन की, किसकी करते हैं, नाइट्रोजन की। होप आप सभी को क्लियर है, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये क्या करता है भैया, क्या किसका बनाया जाता है ये नाइट्रोजन एंजाइम, ये मॉलिब्डेनियम और आयरन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, याद रखना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, यहाँ पर आयरन तो नहीं दे रखा लेकिन मॉलिब्डेनियम दे रखा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन अभिक्रिया को कैटलाइज करता है, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं, इसकी रिएक्शन को आप लिख लीजिए, मेन चीज आपको वहां से क्लियर हो जाएगी जो कि आपकी इंपॉर्टेंट भी है। ये भैया एक नाइट्रोजन का अणु लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 8H+ और 16 ATP, 8H+ और 16 ATP, ठीक है बेटा, इसको लिखिए जरा,
अब यहाँ पर भैया अमोनिया बनेगा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी, एडीपी बनेगा, तो एनर्जी का सोर्स क्या है यहाँ पर? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो एटीपी आपके एनर्जी का सोर्स है। एटीपी क्या है? एनर्जी का स्रोत है और सोर्स है, ध्यान रखना, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। होप आप सभी को ये मेरी बात क्लियर होगी। नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 एच प्लस को लेता है तो क्या बनाता है, याद रखना है, अमोनिया बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, एडीपी बनाता है। कितने मॉलिक्यूल बनाता है भैया? एक नाइट्रोजन का अणु फिक्स होता है तो कितना अमोनिया बनाएगा, ये भी याद रखना, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, लिख लो, और 16 एडीपी बनेगा ही बनेगा, लिख लो, पहले आईपी बनेगा जो कि 16 ही होगा। चलिए लिख लीजिए सभी बातों को, होप आप सभी को क्लियर है। इस रिएक्शन को लिख लेना, इस रिएक्शन को आप सभी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मॉलिब्डेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है ये बताना है। बाकी सारे भैया आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन तो ईजी है, अटेम्प्ट कीजिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी है, अटेम्प्ट कीजिए क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? एक ही ऑप्शन बचा जो कि है मैग्नीशियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, बताइए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बनाना है आपको, बहुत धुआंधार तरीके से आंसर करिएगा। एक बार सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, फटाफट से धुआंधार जानदार शानदार तरीके से सेशन को शेयर करना, बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को भैया रायते की तरफ फैला देना, क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लिखवाने वाली हूँ अब, ठीक है? तो भैया पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो और लिखो यहाँ पर फटाफट से, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं, ठीक है, जो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, जो फ्री लिविंग होते हैं। उसके बाद सिम्बायोटिक भी लिखेंगे, सिम्बायोटिक भी लिखेंगे, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, एनारोबिक की बात किया ना, तो लिखो यहां पर कौन कौन से होते हैं, पहले यहां पर हेडिंग डालिए, फ्री लिविंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सर जो एकदम फ्री लिविंग रहते हैं, जो फ्री लिविंग मुक्त जीवी है, मुक्त जीवी नाइट्रोजन क्या है, फिक्सर है। होप आप सभी को बात मेरी क्लियर होगी कौन कौन से हैं। सबसे पहले डालिए भैया, इसको याद रखना है आपको, नोट कर लेना, एजोटोबैक्टर बेजरनीकिया रोडोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर आपके एनसीईआरटी का ही लिखवा रहे हो, एजोटोबैक्टर बेजरनीकिया याद कर लेना, हिंदी में लिखते जाना बेटा नाम को, बेजरनीकिया और रोडोस्पाइरलम, और रोडोस्पाइरलम लिखते जाइए। ये सारे आपके मैं लिस्ट लिखवा रही हूँ किसके, आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, रोडोस्पाइरलम, फिर आपके बैसिलस, बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, बैसिलस लिखिए, बैसिलस, और फिर लिखिए क्लॉस्ट्रिडियम, ये सारे के सारे आपके फ्री लिविंग है। इसके अलावा होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, इसके अलावा होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, और ज़्यादातर आपके ये कौन होते हैं जो सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवी जो संबंध बनाते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं बेटा, वो आपके लेग्यूम्स प्लांट के साथ बनाते हैं, लेग्यूम्स प्लांट के साथ बनाते हैं, याद रखना, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं आपके, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं फेबेसिया फैमिली के, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है, लेग्यूम और बैक्टीरिया मतलब लेग्यूमिनस प्लांट और जीवाणु के बीच में, बैक्टीरिया के बीच में, ठीक है, जीवाणु के बीच में क्या बनता है, एक सहजीवी संबंध बनता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप सभी राइजोबियम तो पढ़ते ही हैं, राइजोबियम तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर नाम है, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम लिखते जाना बेटा आप सभी हिंदी में, ठीक है, नाम ही है, जिसे मैं लिख नहीं रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा मैं बता दूंगी, जैसे कौन कौन के साथ, जैसे अल्फा अल्फा हो गया, पी हो गया, लेंटिल हो गया, इन सभी के साथ, जैसे अल्फा अल्फा प्लांट हो गया, अल्फा अल्फा आपका मटर का पौधा हो गया, पी का प्लांट हो गया, मटर का पौधा,
आपका लेंटिल हो गया, ठीक है, स्वीट पी हो गया, गार्डन पी हो गया, लेंटिल हो गया, स्वीट पी हो गया बेटा, स्वीट पी हो गया, लिख लो। फिर दूसरा लिखियो फ्रेंकिया, जो कि हमने इतने क्वेश्चन में पढ़ी रहे हैं, फ्रेंकिया जो कि भैया रूट ऑफ एनलेस, फ्रेंकिया किसकी मूल के साथ, रूट ऑफ एनलेस, रूट ऑफ एनलेस एंड क्रोटोलेरिया, एंड क्रोटोलेरिया, एंड क्रोटोलेरिया, रूट ऑफ एनलेस एंड क्रोटोलेरिया लिख लीजिए। फिर आपका एक एजो राइजोबियम भी होता है, एक ब्रेडी राइजोबियम भी होता है, लिखिए पहले इसको, इतना नोट करिए, यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसको, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्रोटोलेरिया एनलेस के मूल के साथ और क्रोटोलेरिया, और क्रोटोलेरिया के मूल के साथ, मूल के साथ, ठीक है बेटा, नोट कर लेना इसे। अब यहाँ पर दो और नाम लिख लो, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए तो एक बार मुझे कमेंट आप जरूर कर देना बेटा, एक बार कमेंट जरूर कर देना यार, इसको नोट कर लिया तो फटाफट से इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये आपकी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। दो और लिखेंगे, एजो राइजोबियम, एजो राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, जिसको सिनो राइजोबियम भी कहते हैं हम। लिखे एजो राइजोबियम कितना हो गया, हम थर्ड हो गया ना, थर्ड लिखे हम यहाँ पर, एजो राइजोबियम, 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 ठीक है, एजो राइजोबियम, रूट ऑफ सेसबेनिया, रूट ऑफ सेसबेनिया, रूट ऑफ सेसबेनिया, याद रखना रूट ऑफ सेसबेनिया, और लिखिए एजो राइजोबियम था, और कौन सा बताया था आपको मैंने, ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम लिखिए, ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, ब्रेडी राइजोबियम, नाम में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं इसका, ब्रेडी राइजोबियम, रूट ऑफ सोयाबीन, रूट ऑफ सोयाबीन, रूट ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन के मूल के साथ, मूल के साथ, सोयाबीन के मूल के साथ, नोट कर लेना बेटा इसके बाद, नोट कर लीजिएगा बेटा इन सारी बातों को, ठीक है, धुआंधार जानदार शानदार तरीके से जल्दी से नोट कर लो इसे, फिर और चीज लिखवाऊंगी, ठीक है, जल्दी से बेटा। आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बीजे का भी नाम लिखो, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना बेटा, ये भी लिख लो आज, सारी बातें लिख लो, फ्री लिविंग, कभी कभी फ्री लिविंग मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर ब्लू ग्रीन एल्गी का भी पूछ लेता है, हरे नीले शैवाल का, जो कि साइनोबैक्टीरिया, हरे नीले शैवाल में से भी आपसे पूछ लेते हैं कौन भैया इसमें बीजीए, कौन सा फ्री लिविंग बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फ्री लिविंग मुक्त जीवी, मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सर है। तो लिखिए भैया, आप सभी पढ़ते हैं नाम तो बहुत ईजी है, नॉस्टक यानी बिना ऑसिलेटेरिया, सभी पढ़ते हो आप नॉस्टक, नॉस्टक, दूसरे पेन से लिख दूं अलग हो जाएगा थोड़ा, नॉस्टक, नॉस्टक, एनाबीना, एनाबीना, ऑसिलेटेरिया, 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 सिलेंड्रोस्पर्म, सिलेंड्रोस्पर्म भी होता है बेटा, सिलेंड्रोस्पर्म, ओलोसूरिया भी होता है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से लिखिए, ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटेरिया आपने लिख लिया है, चलिए बहुत बढ़िया, इसी के बगल में लिख लो ओलोसूरिया, इसी के बगल में लिख लो एंड ओलो सूर्या, ओलो एलो सूर्या, एलो सूर्या, ठीक है, ये आपके जो दोनों नाम है ना बेटा, ऑसिलेटेरियन ओलो सूर्या, ये पैडी फील्ड्स में करते हैं, पैडी फील्ड्स मतलब समझते हैं, धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कौन, ये दोनों धान के खेतों में, धान के खेतों में, चावल के खेतों में, ठीक है, पैडी,
खेतों में याद रखना कौन, ऑसिलेटेरिया और ओली सूर्य और ओलू सूर्य, ओलो सूर्य ठीक है। लास्ट लिखिए एक और नाम, सिलेंड्रोस्पर्मम लिखेंगे, ऑसिलेटेरिया और ओलो सूर्य लिख लो, ऑसिलेटेरिया ओली सूर्य पैडी फील्ड में करता है। वहीं पर आपका एक और लास्ट लिखिए सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम ये कहाँ पर करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिलेंड्रोस्पर्मम करता है याद रखना मेज और शुगर केन के फील्ड में, मक्का और शुगर केन के फील्ड में। मक्का देखा होगा आपने सभी ने जो गांव में रहते, सिलेंड्रोस्पर्मम ठीक है, सिलेंड्रोस्पर्मम मक्का मेज के फील्ड और गन्ने के खेतों में, और गन्ने के खेतों में शुगर केन के फील्ड में याद रखना, नोट कर लेना आप सभी मेज और शुगर केन, नोट कर लीजिएगा बेटा आप सभी से फटाफट से इसे नोट कर लो यार, इम्पोर्टेंट है जल्दी से नोट करिए इन सारी बातों को। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर डार्क पेन से, अच्छा बेटा वो पिंक पेन मुझे लग रहा है लाइट बहुत ज्यादा है इसलिए तुम्हें हल्का दिखाई दे रहा है इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए क्या दे रखा है बेटा बेहतरीन तरीके से, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, अभी तुम्हें सारी चीजें लिखवा दी अब बता दो, पैडी पैडी फील्ड में, पैडी फील्ड में ठीक है जल्दी से, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा होता है, राइजोबियम एजोस्पाइरलम ऑसिलेटेरिया या फिर फ्रेंकी, आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, ऑसिलेटेरिया और ओलोसीरा, स्पेलिंग ओलोसीरा है ठीक है, मैंने गलत आपको थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेना ठीक है, स्पेलिंग रह रह के याद आ जाती है कभी कभी, ओलोसीरा ठीक है। चलो स्पेलिंग तो तुम्हें मैंने चलो ठीक करवा दी, चलो ओलोसीरा ऑसिलेटेरिया पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लिख लेना। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा दे रखा है चार्ट, आपकी एनसीईआरटी का ही चार्ट है, नोट कर लेना और धुआंधार तरीके से हमें आंसर कर देना क्या हो जाएगा ठीक है। ये पट्टी मैं थोड़ी देर के लिए हटवा देती हूँ ना, वरना आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। जल्दी बेटा आंसर दीजिएगा ए बी सी डी क्या क्या हो जाएगा, ये आपका दे रखा है ए, ये आपका दे रखा है बी, ये आपका सी है और ये आपका डी है, बताइए क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है जल्दी से। यहाँ पर बायोलॉजिकल देखिए, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार से होती है, एक ए बायोलॉजिकल होती है और एक बायोलॉजिकल होती है, इसको लिख लो चाहे ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण और नाइट्रोजन का फिक्सेशन लिखो जरा थोड़ा सा, मैं आपको बता देती हूँ पहले, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण, फिक्सीकरण और नाइट्रोजन का फिक्सेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है बेटा बायोलॉजिकल ठीक है, एक होता है ए बायोलॉजिकल, एक होता है ए बायोलॉजिकल जिसमें भैया जीव इन्वॉल्व नहीं होते वो ए बायोलॉजिकल होते हैं। ए बायोलॉजिकल दो प्रकार से हो सकता है, एक भैया आपका इलेक्ट्रिकल से होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके भैया आप इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हो, बिजली इलेक्ट्रिसिटी देके है ना, नेचुरल भैया मतलब नेचुरली लाइट पड़ रही है, नेचुरल भैया बिजली कड़क रही है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप ये करवा दो काम ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ए बायोलॉजिकल। फिर जो बायोलॉजिकल होता है जैविक, उसमें तो भैया आपके बैक्टीरिया द्वारा ही होता है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, मुक्त जीवी भी होते हैं, इसमें भी आपने एरोबिक देखा और एनारोबिक, एनारोबिक में आपने कौन सा देखा, एनारोबिक में कौन सा देखा बेटा, रोडोस्पाइरलम देखा याद रखना एनारोबिक में, बाकी ये तो मैंने आपको लिखवा दिया। और फिर इसमें सिम्बायोटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं ध्यान रखना, सिम्बायोटिक भी होते हैं नोट कर लेना ठीक है। ये आपके जैविक तरीके हो गए और ये आपके अजैविक ए बायोलॉजिकल तरीके हो गए जिससे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। वहीं पर आपको दे रखा है कि बायोलॉजिकल लिटरेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बना, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्राइड बना, नाइट्राइड से नाइट्रेट बना, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी भैया नाइट्रेट बनाती है। फिर बोला है कि यहाँ पर क्या एक, फिर यहाँ पर NO3- दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन नहीं डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है नोट कर लेना।
अब यहाँ पर दे रखा है कि डिकेइंग बायोमास बी में कन्वर्ट होता है और बी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। डिकेइंग बायोमास, जब आपका डिकेइंग बायोमास जो होता है जब वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन, याद रखना, क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है जो नाइट्रेट आपका बना रखा है इसका लिख रखा है भैया यहाँ पर अपटेक होता है। कौन अपटेक करता है? प्लांट ही लेगा भैया। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। मैक्सिमम भैया हम यही बोलते हैं NO3- की फॉर्म में ये लेता है। कौन? प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, तो ये प्लांट बायोमास होगा। तो बी क्या हो जाएगा? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन गलत है, प्लांट लेगा। और डी एनिमल लेगा, याद रखना। प्लांट से भैया जानवर प्लांट को खाते हैं, प्लांट की डेथ होगी या एनिमल की डेथ होगी, तो डिकेइंग बायोमास क्या हुआ बेटा? ठीक है, क्लियर है? आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। धुआंधार, जानदार, शानदार, धुआंधार, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लेगुमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग क्या बोला है भैया? कहां गया, कहाँ चले गए हम पढ़ते पढ़ते? लेकिन प्लांट आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नोड्यूल एक्ट एज अ साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, द एंजाइम नाइट्रोजनेज कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। और दो मॉलिक्यूल के अमोनिया के बनते हैं, इसको याद रखना। और 16 ATP कंज्यूम होती है। वहीं पर नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। हमारा जो नाइट्रोजिनेज है वो ऑक्सीजन के प्रति इनसेंसिटिव है, क्या ये सही है? लेग हीमोग्लोबिन स्केवेंजेस ऑक्सीजन एंड पिंकेशन, और पिंक कलर का हो जाता है भैया, सारी ऑक्सीजन को खा जाता है एंड पिंकेशन कलर। तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर भैया। और ये पिंक कलर का एक पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन, याद रखना। धुआंधार, जानदार, शानदार तरीके से थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉली इसी का देख लीजिए भैया। थर्ड ऑप्शन को धुआंधार तरीके से मार्क कर देना। अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिंबायंट इज फाउंड इन। एक प्रोकैरियोटिक सहपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवन पाया जाता है। अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिंबायंट इज फाउंड इन कहां पर? एनलस में, साइकस में, साइसर में, पाइसम में? भैया फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा ना, एफ्रेंकिया पाया जाता है एनलस के साथ। राइजोबियम भी याद रखना, गार्डन पी, लेंटिल, स्वीट पी, स्वीट क्लोवर, अल्फा अल्फा, क्लोवर बीन्स, ब्रॉड बीन्स, सारा बता दिया। क्लोवर बीन, ब्रॉडर बीन, अल्फा अल्फा, लेंटिल, गार्डन पी, सभी के साथ आपका राइजोबियम पाया जाता है। और आपका जो क्या है भैया, अल्फा, सॉरी, आपका जो कौन है ये एनलस के साथ कौन सा पाया जाता है? फ्रेंकिया पाया जाता है, याद रखना इस चीज को। होप आप सभी समझ गए होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज, बताइए। पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिमान नहीं होता है? गतिमान मतलब जो मूव नहीं कर सकता है, जो मोबिलाइज नहीं कर सकता है, जल्दी से बताइए। मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, याद रखना, बता रही हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, याद रखना, जो मूव कर सकते हैं। पहले भैया इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो पहले किसमें दिखाई देगी? चलो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ पहले आपको डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी, कमी, ठीक है। आपके जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास गति होती है उनकी डेफिशिएंसी पहले यंगर पार्ट में दिखाई देती है, यंगर जो युवक होते हैं, एंड लेटर दिखाई देती है व्यस्क भागों में, और ओल्डर पार्ट्स में, ध्यान रखना किस में, ओल्डर पार्ट्स में। लिख लेना भैया जो मैंने आपको लिखवाया, NPK Mg और S, है ना भैया, नोट कर लेना इसे, नोट कर लेना भैया इसे मोबाइल। और भैया जो बचे होंगे वो इमोबाइल एलिमेंट हो जाएंगे, इमोबाइल एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपके मोबाइल एलिमेंट थे वो जो गति कर सकते हैं,
गति और गमन कर सकते हैं। ध्यान रखना, यंगर में पहले दिखाई देते हैं, युवक में पहले दिखाई देते हैं, उसके बाद ओल्डर व्यस्क भागों में, ठीक है। इमोबाइल एलिमेंट, ठीक है। ये पहले भैया सबसे पहले किस में दिखाई देते हैं? ओल्डर में ये पहले दिखाई देते क्योंकि मूव नहीं कर पाते, और लेटर इन यंगर पार्ट, ठीक है। तो इसका रोग पहले यंग भाग में दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये फटाफट से मूव कर जाएंगे भैया, तो यंगर पार्ट में होगा। और इसका इमोबाइल एलिमेंट का आपके आपके जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो मूव कर सकते हैं, इसलिए उनकी डेफिशिएंसी पहले किस में दिखाई देगी? ओल्डर पार्ट्स में दिखाई देगी। ये आप करेक्ट कर लेना, यार मैंने गलत बोल दिया, तुम सही कर लेना। फर्स्ट इनकी डेफिशिएंसी किस में दिखाई देगी? फर्स्ट इन ओल्डर पार्ट, पहले बूढ़े भागों में, ठीक है, और व्यस्क भागों में दिखाई देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये इमोबाइल है भैया, चल फिर नहीं सकते, तो इनकी डेफिशिएंसी फर्स्ट दिखाई देगी यंगर पार्ट में, फर्स्ट इन यंगर पार्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको इसकी डिटेल दे दी, फर्स्ट इन यंगर पार्ट और युवा भाग, जो नए नए बने, जो न्यू पार्ट बने। अब बताइए भैया, दे तो दिया NPK, नाइट्रोजन सल्फर को काट दो, पोटेशियम को काट दो, फॉस्फोरस को काट दो, बचा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम क्या है? इमोबाइल एलिमेंट है, तो कैल्शियम भैया एक ही होता है जो इमोबाइल होता है, ठीक है। और भैया याद रखना भैया, ये मूव नहीं कर पाएंगे, ये एक ही जगह रहेंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक पत्ती है, चलो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कैसे कैसे मैंने बताया, फर्स्ट इन ओल्डर पार्ट एंड फर्स्ट इन यंगर पार्ट। मान लीजिए ये प्लांट है, ये आपकी बूढ़ी पत्ती है और ये आपका यंगर है, ठीक है बेटा। आपके जो इमोबाइल एलिमेंट होंगे, ठीक है, मैंने बोला उसकी जो कमी होगी वो यंगर पार्ट में होगी। ये अभी अभी नया नया बना है, क्या बना है? ये न्यू लीफ बनी है, अभी नई नई पत्ती बनी है। आपकी ये एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये तो भैया मूव नहीं कर सकते, ये यहाँ पर मूव नहीं कर सकते, तो भैया ये ऊपर जा ही नहीं सकते, प्लांट में जा ही नहीं सकते, ऊपर नई लीफ के पास तो आ ही नहीं सकते। फिर क्या होगा? ये यही रह जाएंगे, क्या होगा? ये यही रह जाएंगे, ये जो इमोबाइल एलिमेंट है जिसमें आपको कैल्शियम मैंने पढ़ाया, वो यही रह जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर आपकी इमोबाइल एलिमेंट की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। किसमें? आपके यंगर पार्ट में। वहीं पर वो एलिमेंट जो मोबाइल एलिमेंट है, जो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसका भैया कमी कहाँ पर होगी? ओल्डर पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, कहाँ पर? ओल्डर पार्ट में। तो ये सारे एलिमेंट फटाफट से भाग जाएंगे कहाँ पर? यंगर पार्ट के पास। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी किसमें? ओल्डर पार्ट में डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी? आपके मोबाइल एलिमेंट, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं ना बेटा, वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इसलिए याद रखना, इसको भी नोट कर लेना, आंसर होगा कैल्शियम इज योर राइट आंसर। धुआंधार, जानदार, शानदार तरीके से, होप आप सभी को क्लियर है मेरी यहाँ तक सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, अभी बताया था कि सोयाबीन क्रॉप में कौन सा भैया आपका नाइट्रोजन फिक्सर का उपयोग होता है, कौन से नाइट्रोजन फिक्सर का उपयोग होता है? किसमें? सोयाबीन में। बताया था भैया, बताओ कौन कौन सा हो जाएगा? सिंबायोटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं, एजोटोबैक्टर होगा, एजोस्पायरलम होगा, राइजोबियम होगा। जल्दी से बताओ कौन सा करवाया था? ब्रेडी राइजोबियम करवाया था। यहाँ पर ब्रेडी तो नहीं दे रखा, लेकिन आप याद रखना ब्रेडी राइजोबियम था। किसमें? सोयाबीन के क्रॉप में करवाया था ना, अभी लिखवाया भी था बेटा, लिख लो। यहाँ पर सिर्फ राइजोबियम लिखा, उधर मैंने पूरा लिखवाया था ब्रेडी राइजोबियम। इसमें एजोराइजोबियम भी याद रखना, क्या? एजोराइजोबियम याद रखना, एजोराइजोबियम किसमें मदद करता है? सेसबेनिया में। किसमें? सेसबेनिया में। थर्ड ऑप्शन को क्या कर लेना? धुआंधार, जानदार, शानदार तरीके से। नेक्स्ट,
निट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होता है, ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया, रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करें, मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदले, प्रोटीन को अमोनिया में बदलना, नाइट्रोजन मुक्त करने के लिए नाइट्रेट को कम करें, जल्दी से बताइए। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में करते हैं, ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर प्रोटीन को अमोनिया में करते हैं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। धुआंधार तरीके से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना, क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जल्दी से। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को NO2- NO3- में ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, याद रखना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, याद रखना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देना जरा जल्दी से। सूडोमोनास एंड बीजीए, नाइट्रोबैक्टर एंड ईकोलाई, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, या फिर सूडोमोनास एंड क्लेबसिला, आपका एकदम धुआंधार जानदार शानदार आंसर दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगी, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है पहले नाइट्राइट में, कौन कन्वर्ट करता है इसको नाइट्राइट में जल्दी से बताइए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस दे तो रखा है, अमोनिया सबसे पहले, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, याद रखना, नाइट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्राइट में दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो आपको दे रखे हैं, नाइट्रोसोमोनास होता है और नाइट्रोकोकस होता है, और क्या होता है, नाइट्रोकोकस होता है, याद रखना ये सेकेंड। अब आपके नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसको नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखना, ठीक है, तो एक क्या हो गया, एक हो गया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, और एक हो गया नाइट्रोबैक्टर, इसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब भैया आपको NO3- को दोबारा से बदलना है, अगर NO3- को दोबारा से NO2- में करना है और NO2- को दोबारा से अमोनिया में करना है, तो इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, याद रखना, क्या कहा जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और ये भी लिख लेना किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, सूडोमोनास और थायोबैसिलस द्वारा होता है, लिख लो किन बैक्टीरिया द्वारा होता है, सूडोमोनास और थायोबैसिलस, उसको रट लेना बेटा, ये सिर्फ लर्न करना है इस पूरे चैप्टर में आपको, थायोबैसिलस, सूडोमोनास और थायोबैसिलस आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग वह बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना, डीनाइट्रीफाइंग वह जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना, जो आपके NO3- को और NO2- को किसमें कन्वर्ट करते हैं, NO3- को मतलब नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। होप आप सभी को मेरी ये बात क्लियर होगी, ठीक है बेटा, नोट कर लेना इसको फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आ गया है बहुत बढ़िया है, मार्क कर लेना क्या होगा, एम्स 2016 का क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर, धुआंधार जानदार शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट व्हाइल द रिमेन 3 आर, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्व नहीं है जबकि शेष 3 है, क्या AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन है, फॉस्फोरस, आयन, मैग्नीज या फिर कैडमियम, क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी से आंसर देना, दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन
पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्व नहीं है जबकि शेष तीन है, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज या फिर कैडमियम। आंसर दीजिए यार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, टुच्चा है, देखते हैं आंसर आ जाएगा क्या होना चाहिए। फोर्थ, कैडमियम इज योर राइट आंसर। कैडमियम इज योर राइट आंसर। एसेंशियल एलिमेंट बाय थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है बेटा, एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये तो बहुत उत्तर ईजी है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, मैग्नीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट। देखिए बार बार यही AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। में से कौन सा गलत कथन क्या रखा है, जल्दी से उत्तर देना। फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन्स, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टेरिया कीमो ऑटोट्रॉप, एनाबीना एंड नॉस्टोक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। यहीं तक मैं आपकी क्लास रखूंगी बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट कर दीजिए क्या हो जाएगा फटाफट से। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टेरिया कीमो ऑटोट्रॉप या कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं क्या ये, एनाबीना नॉस्ट्रा कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, एकदम सही। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, बिल्कुल। राइजोबियम जब आपके इससे बाइंड करके रहता है रूट से, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ये एनारोबिक कंडीशन में रहता है, लेकिन जब ये फ्री लिव रहता है, मुक्त जीवी रहता है, तब ये एरोबिक में रहता है, मतलब ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उस समय जब ये फ्री लिविंग अवस्था में रहता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आंसर दीजिए मुझे क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से फास्फोरस को याद कर लो भैया, याद नहीं अगर किसी को फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस को याद कर लीजिए, फास्फोराइलेशन रिएक्शन में होता है। जल्दी से रॉन्ग स्टेटमेंट लगाना है, सेल मेम्ब्रेन सर्टेन न्यूक्लिक एसिड नॉन फास्फोरस कांस्टेंट सेल मेम्ब्रेन, रॉन्ग स्टेटमेंट लगाना ना, गलत कथन, बाकी ये तो बढ़िया है, एक ऑप्शन भी है। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर देना क्या हो जाएगा। सारी बातें वैसे आपको बता ही दी हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं क्या ये, जल्दी से बताइए सभी के सभी फटाफट से। ए बी सी, फास्फोरस के बारे में नहीं पता क्या, फास्फोरस के बारे में नहीं पता बेटा, भैया इतनी गर्मी क्यों है, भगवान को थोड़ा सा बोलो, किसी का यार हंसे हैं, भगवान से अरदास क्यों नहीं लगाते तुम कि भैया किसी का यार हंसा दो, बारिश करवा दो। अरे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा फटाफट से यार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है। सही भैया, दिमाग लगा लो, सारे ऑप्शन सही है, ये भी ये भी ये भी, सिर्फ फास्फोरस वाला क्यों गलत है, क्योंकि फास्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फास्फोरस का फंक्शन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन फास्फोरस डायरेक्टली फास्फोरस की फॉर्म में नहीं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने तुम्हें इसमें समय दिया, मैं देखूं कौन कौन से बच्चे इसमें दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन किसी ने कोई सी ऑप्शन कर रहा है,
कोई बी ऑप्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हो, जब बता दिया ये एकदम सही है, जो आपके रूट नोड्यूल में जो आपके राइजोबियम होता है वो एनारोबिक कंडीशन पे रहता है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सेंसिटिव होता है वो ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वो जब मुक्त जीवी में रहता है तब उसे ऑक्सीजन चाहिए, तब वो भैया आपके फिक्सर लिव एज एरोब की तरह काम करता है। एनाबीना नॉस्टॉक आपका क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है, इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सर स्टेट, एकदम सही है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, केमिकल से अपना भैया खाना प्राप्त करते हैं, वही नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, नाइट्रोबैक्टर क्या करता है बेटा, आपके नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और वहीं पर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस आप सभी ने पढ़ा, नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास आपके अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया को नाइट्राइट में NO2- में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। NO2- को जो कि नाइट्राइट है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में 3- आता है, याद रखना NO3- कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट ऑप्शन करा तो जाएगा क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है, ना कि फॉस्फोरस। होप आप सभी को क्लियर है, ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क के लिए ले लीजिए, ठीक है, और जितने क्वेश्चंस बचे हैं आप सभी को इसके प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी तो आप सभी रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को, और कल 3 बजे रेडी रहना, अपनी जूलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं, आपकी जूलॉजी के जितने क्लास 11th क्लास 12th में जितने चैप्टर्स हैं उनको बैठ के अभी आधे घंटे बाद, भैया थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आधे घंटे बाद एकदम बैठ जाना रिवाइज करने। कल मैं आपको पूरी जूलॉजी करवाऊंगी, फुल जूलॉजी टेस्ट, फुल जूलॉजी, फुल कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट, मतलब कंप्लीट जूलॉजी आपको मैं करवाऊंगी कल की क्लास में, सुबह 9 से 12 बजे तक, 9 से होगी, 10 बजे से नहीं होगी क्लास, तो सुबह 9 बजे एग्जैक्ट आ जाना बेटा, एग्जैक्ट आ जाना, आप आ जाना, मैं लेट आ जाऊँ कोई दिक्कत है, पर तुम रहना यार 9 बजे, मज़ा आएगा, क्लास शुरू करेंगे और शुरू होते ही आप एकदम मज़ा आ जाएगा अगर आप शुरू से जुड़े होंगे ना। सेशन को लाइक कर देना भैया, 250 स्टूडेंट्स, भैया लाइक की संख्या देखिए 115, नहीं पसंद आएगा क्लास इतनी गर्मी में, बेटा तुम्हारे लिए क्लास ले रहे हैं, सेशन को पसंद करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं क्लास को खत्म कर रही हूँ, बाकी आपके 10 क्वेश्चंस और हैं इसमें, जो कि आपको खुद प्रैक्टिस करना है, को खुद प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी बेटा। मैं तो आपको बहुत क्वेश्चंस करवा दिए और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको लिखवाई हैं, और साथ आज मैं आपको टेलीग्राम पर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज शेयर करूँगी, फोटो, ठीक है, फोटो दूंगी एक PDF की फॉर्म में, वो इस चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके नोट्स होंगे वो, ठीक है, उसको एक बार ज़रूर रीड कर लेना, इंग्लिश में होंगे, ठीक है बेटा, उसको ज़रूर एक बार आप रीड कर लेना। इसी के साथ मैं सेशन को ख़त्म कर रही हूँ, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। चलिए।